नमस्कार विद्यार्थियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम प्रश्न और उत्तर के विषय में डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है वह उच्चारण से संबंधित है और दूसरा प्रश्न है श्लोकान शान योजियत, श्लोक अंशान, श्लोक के अंशों को योजियत का मतलब जोड़िए। एक तरफ एक लाइन दी गई है, दूसरी तरफ दूसरी लाइन दी गई है। इंग्लिश में बोले तो मैच द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को हमें मैच करना है कि कौन सी लाइन किस लाइन से मैच करती है। तो पहला वाक्य है तस्मात प्रियम ही वक्तव्यम। तस्मात इसलिए प्रियम, प्रिय ही निश्चित रूप से वक्तव्यम बोलना चाहिए, इसलिए निश्चय ही प्रिय बोलना चाहिए, निश्चय ही प्रिय बोलना चाहिए। तो किससे मेल खाएगा विद्यार्थियों? वचने का दरिद्रता, वचने बोलने में का दरिद्रता, क्या गरीबी, बोलने में क्या गरीबी। तो पहली लाइन जो है तस्मात प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए निश्चय ही प्रिय बोलना चाहिए, इसका मैच करेंगे हम वचने का दरिद्रता, वचने बोलने में का क्या दरिद्रता, क्या गरीबी, अर्थात बोलने में कैसी कंजूसी। तो इसको हम इससे मेल करेंगे। तो यहां पर इस के को आंसर के ऐसे हम लिख देते हैं तो समझ जाएंगे कि तस्मात प्रियम ही वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता के, ठीक है। नंबर टू है गच्छन पिपीलिक है याति, गच्छन जाती हुई पिपीलिक है चींटा, याति चला जाता है, कहां चला जाता है? योजना नाम सतान्य भी, योजना नाम सतान्य भी, सैकड़ों योजन भी, क्योंकि निरंतरता में बहुत बड़ी ताकत होती है विद्यार्थियों। जो भी कार्य नियमित रूप से किया जाता है, रोज किया जाता है, तो उस कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। ठीक उसी प्रकार हम चींटी का उदाहरण लेते हैं कि चींटी चढ़ती है दीवारों को, 100 बार फिसल जाती है लेकिन फिर चढ़ी जाती है। इसी प्रकार से उसी उदाहरण के माध्यम से यहां पर समझाया गया है कि गच्छन जाती हुई पिपली के चींटी याति चली जाती है, कहां चली जाती है? योजना नाम सतान्य अपी, सतानी धन अपी, सतानी का मतलब सैकड़ों, योजना नाम योजन, अपी मीन्स भी। तो जाती हुई चींटी, गच्छन पिपली के जाती हुई चींटी योजना नाम सतान्य अपी, सैकड़ों योजन भी याति चली जाती है। तो इसको हम इससे जोड़ देंगे विद्यार्थियों, इससे जोड़ देंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिय वाक्य प्रदाने, प्रिय वाक्य प्रदाने बोलने से, वैसे प्रदानेन का शाब्दिक अर्थ लेते हैं हम तो देने से, प्रदानम देना, लेकिन यहां पर प्रिय, प्रिय मीन्स मधुर मीठा वाक्य वचन, प्रदाने बोलने से, ये व्यवहारिक रूप में भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्यों विद्यार्थियों? यदि हम सामने वाले से मधुर वाणी में बात करते हैं तो सामने वाला भी हमसे मधुर वाणी में बात करता है और उससे हमारे व्यवहार में एक सरसता आती है, एक मधुरता आती है। तो प्रिय वाक्य प्रदाने, प्रिय वाक्य बोलने से, प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे तुष्यंति जंतवः, सर्वे जंतवः सभी प्राणी तुष्यंति संतुष्ट हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए इसको हम जोड़ेंगे प्रिय वाक्य प्रदाने, प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे जंतवः तुष्यंति, सभी जंतु तुष्यंति संतुष्ट हो जाते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे इस गे का आंसर ये। नेक्स्ट है किम भवेत तेन पाठेन, तेन पाठेन उसको पढ़ने से किम भवेत क्या होता है, किसको पढ़ने से? यो जो जीवने जीवन में सार्थक है, नहीं सार्थक नहीं, जो जीवन में उपयोगी नहीं है उसको पढ़ने से क्या फायदा है, इसको हम इससे जोड़ेंगे। क्योंकि जीवन में जो काम आने वाला है उसी को हमें पढ़ना चाहिए। तो यहां ये बताया गया है कि इसके पढ़ने से क्या फायदा है, क्या लाभ है जो जीवन में सार्थक
नहीं होता है तो किम भवेत तेन पाठेन, तेन पाठेन उसे पढ़ने से किम भवेत क्या हो, जो यो जीवने में सार्थक है, जो जीवन में सार्थक है नहीं होता है, इससे जोड़ देंगे। ठीक है, अब लास्ट है काके कृष्ण पिके कृष्ण, कौवा काला होता है पिके कृष्ण और कोयल भी काली होती है, तो को भेद है पिक का कयो, को भेद है क्या भेद है पिक का कयो कोयल और कोयल, तो इसको इससे मिला देंगे क्योंकि दोनों का रंग एक समान होता है, तो हम कैसे पहचाने उनको कि ये कोयल है और ये कौवा है। तो वसंत वसंत समय प्राप्त है काके काके पिके, वसंत ऋतु आने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। वैसे सभी पक्षियों का समय समय पर महत्व होता है विद्यार्थियों। तो अब काके कृष्ण पिके कृष्ण इसको हम मिलाएंगे विद्यार्थियों, को भेद है पिक काके हो कोयल और कोये में क्या भेद है, इससे मिला। ठीक है, अब नंबर थ्री प्रश्न देखते हैं, पहले एक बार वो देख लीजिए। तस्मात् प्रियम हि वक्तव्यम वचने का दरिद्रता गच्छन् पिपली को याति योजनानां सतान्यपि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो निसार्थक है काके कृष्ण पिके कृष्ण को भेद पिक काके हो। नेक्स्ट नंबर थ्री प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सर्वे जंतुए केन तुष्यन्ति, सभी जंतु किससे संतुष्ट होते हैं, किससे संतुष्ट होते हैं सभी जंतु, तो विद्यार्थियों यहां पर इसके स्थान पर हमें एक शब्द में आंसर लिखना है, तो क्या लिखेंगे, प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से सभी जंतु संतुष्ट होते हैं, एक शब्द में उत्तर पूछा जाता है तो हम इस प्रकार से लिख देंगे, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जंतवः तुष्यन्ति, प्रिय वाक्य बोलने से सभी जंतु संतुष्ट हो जाते हैं, सर्वे जंतवः सभी जंतु प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, प्रिय वाक्य बोलने से संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक काकयो भेद कदा भवति, कोयल और कोये में भेद कब होता है, तो कदा के स्थान पर हमारा आंसर होगा वसंत समय, वसंत समय ये उत्तर होगा वसंत समय, कोयल और कोये में जो भेद हो अंतर स्पष्ट होगा कब होगा, वसंत ऋतु के आने पर। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के गच्छन योजनानां शतान्यपि याति, कौन जाता हुआ योजन सैकड़ों भी चला जाता है, कौन पिपीलिक है, तो इस के स्थान पर क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, पिपीलक है, इस प्रकार से लिख देंगे पिपीलक है। अस्माभि किं वक्तव्यम, हमें क्या बोलना चाहिए, हमें क्या बोलना चाहिए, तो किम के स्थान पर क्या लिखेंगे, प्रियम, हमें प्रियम बोलना चाहिए, अस्माभि प्रियम वक्तव्यम, हमें प्रिय बोलना चाहिए, हमें प्रिय बोलना चाहिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, उचित कथना नाम समक्षम, उचित का मतलब सही, कथना नाम वाक्यों के समक्षम सामने आम, आम लिखना है, आम का मतलब हां, अनुचित कथना नाम, अनुचित कथना नाम का मतलब जो कथन अनुचित है, जो वाक्य अनुचित है गलत है, समक्षम उनके सामने ने इति लिखत, ने इस प्रकार लिखना है। ठीक है, तो प्रश्न देखते हैं, नंबर वन है काके कृष्ण ने भवति, कौवा काला नहीं होता है, तो ये वाक्य गलत होता है विद्यार्थियों, क्योंकि कौवा तो काला होता है, कौवा तो काला होता है, तो ये क्या है, अनुचित कथन है, तो अनुचित कथन के सामने क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, ने, ने का मतलब आप जानते हैं क्रोस, गलत। ठीक है, नेक्स्ट है अस्माभि प्रियम वक्तव्यम, हमें प्रिय बोलना चाहिए, सही बात है, अस्माभि हमें प्रियम वक्तव्यम मधुर बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, तो सही बात है,
तो इसका आगे हम लिखेंगे आम, क्योंकि ये कथन उचित है। क्या है? उचित कथन है। नेक्स्ट है वसंत समय पिक का प्रयोग भेद स्पष्ट है भौतिक। वसंत ऋतु आने पर पिक का प्रयोग कोयल और कोयल में भेद स्पष्ट होता है। हाँ, वसंत समय में ही कोयल और कोयल में अंतर स्पष्ट होता है, तो ये वाक्य भी उचित है, इसलिए इसके सामने भी हम लिखेंगे आम। आम का मतलब हाँ, यस, ट्रू। नेक्स्ट है वैनतेय पशु भौतिक, में गरुड़ पशु होता है, तो ये गलत बात होगी, क्योंकि गरुड़ पशु नहीं होता है, इसलिए अनुचित कथन है, तो लिखेंगे नहीं। वचने दरिद्रता न कर्तव्य, वचन में बोलने में दरिद्रता नहीं करनी चाहिए, तो ये बात भी सही है, तो इसके सामने भी हम लिखेंगे विद्यार्थियों आम, क्योंकि ये उचित कथन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है मंजूसात है मंजूसाचे, ये मंजूस समानार्थ प्राणी का रूप पर्याय शब्द सिमिलर वर्ड्स चित्वा चुन करके लिखत लिखी। इस बॉक्स से चुन करके हमें पर्यायवाची शब्द लिख रहे हैं। वचने बोलने में, तो इसका पर्यायवाची शब्द होगा विद्यार्थियों कथने, तो यहां पर लिखेंगे कथने। वचने का क्या हो गया? कथने। वैनतेय गरुड़ को बोलते हैं, तो यहां पर लिखेंगे गरुड़ है, गरुड़ है। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? गरुड़ है। पुस्तके, तो ग्रंथे, यहां पर लिखेंगे ग्रंथे, ग्रंथे। रवे, रवे का मतलब सूर्य, तो यहां पर लिखेंगे विद्यार्थियों सूर्यस्य। पिके है, पिके कोयल को बोलते हैं, तो लिखेंगे कोकिले, कोकिले। ये और यदि नंबर भी लगाना चाहें तो वचने कथने नंबर 1 हो गया, वैनते गरुड़े नंबर 2, पुस्तके ग्रंथ है नंबर 3, और रवे सूर्यस्य नंबर 4, और पिके कोकिले नंबर 5। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है विलोम पदानि योजयत, विलोम पदों को जोड़िए, अपोजिट जो वर्ड्स हैं उनको आपस में हम जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? अब देखिए सार्थक है, सार्थक अर्थ वाला, और इसको किससे जोड़ेंगे? निरर्थक है, किससे जोड़ देंगे? निरर्थक है, तो नंबर लगा देते हैं सुविधा के लिए इस प्रकार से, जिससे हम आसानी से बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है सार्थक है, तो यहां पर इसका आंसर होगा निरर्थक है, तो नंबर 1 यहां लगा दिया गया। अब कृष्ण का मतलब काला, इसका अपोजिट होगा श्वेत है, सफेद, तो नंबर 2 श्वेत है। अनुक्तम नहीं कहा गया और उक्तम कहा गया, तो इसका हो जाएगा नंबर 3। गच्छति जाता है और आगच्छति आता है, नंबर 4। प्रदीपस्य दीपक का और दीपकस्य दीपक का, नंबर 5 हो गए। इस प्रकार से हम विलोम शब्द करेंगे, मिलाएंगे सार्थक है निरर्थक है, कृष्ण श्वेत है, अनुक्तम उक्तम, गच्छति आगच्छति, प्रतिपस्य दीपकस्य। तो विद्यार्थियों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।